रोल्स रॉयस और नैना में बहुत फर्क होता है। एक दिन बस ऐसे ही जाके रोल्स रॉयस ले ली मैंने। कुछ लिरिक्स लिख के दे देता हूँ, पापा का कमबैक हो जाएगा तुम्हारे का। क्यों रिप्लाई करूँ, तुम लोग ऑलरेडी हनी सिंह वर्सेस बादशाह। तो पास्ट में हमें बादशाह और हनी सिंह को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज देखने को मिली है। इवन जब से बादशाह ने माफिया मुडीर को लीव किया है तब से ये कंट्रोवर्सी चलती आ रही है। लाइक हनी सिंह का बादशाह को नैनू कह के ट्रोल करना एंड बादशाह का हनी सिंह के कमबैक को लेकर पोक करना एंड रिसेंट ही सिचुएशन और भी खराब होती हुई नजर आ रही है। तो आज हम इस वीडियो में हनी सिंह और बादशाह की कंट्रोवर्सी के बारे में शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ डिस्कस करेंगे। इन 2006 बादशाह ने अपना एक गाना बनाया सोडा विस्की, जिसमें कि उन्होंने इंग्लिश में रैप किया था एंड लकीली ये सॉन्ग उस समय काफी हिट हुआ था। एंड इस सॉन्ग को सुनने के बाद हनी सिंह ने बादशाह को अप्रोच किया फॉर कोलैबोरेशन एंड फिर इन्होंने एक साथ मिलकर काफी अच्छे सॉन्ग प्रोवाइड किए। एंड उन सब सॉन्ग में से एक सॉन्ग ऐसा था जो कि सुपर वायरल गया था, गेट अप जवानी। एंड इसके बाद हनी सिंह और बादशाह को पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में भी काफी पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन इस सॉन्ग के बाद हनी सिंह और बादशाह का रिलेशन खराब होने स्टार्ट हो गए थे। इन 2011 बादशाह ने माफिया मुंडीर को लीव कर दिया एंड उन्होंने रीजन भी बताया कि हनी सिंह अपने सोलो करियर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आई थिंक हनी पाजी डिसाइडेड टू गो सोलो एंड देन फिर सबको लग गया कि यार हमारा तो कुछ होने नहीं वाला। एंड इसके बाद बादशाह ने एज अ सोलो रैपर परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। इन 2016 हनी सिंह को बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की बीमारी हो गई थी, जिस वजह से वो थोड़े टाइम के लिए इंडस्ट्री से गायब हो गए थे। लेकिन आफ्टर रिकवरी हनी सिंह ने देखा कि DHH में उनको लेकर डिस बैटल चल रही है एंड माफिया मुंडीर के एक्स मेंबर्स ने उन पर एलिगेशन लगाए थे कि हनी सिंह उनको सॉन्ग के क्रेडिट नहीं दिया करते थे। एंड इसी बीच हनी सिंह ने एक इंटरव्यू में बादशाह को रोल्स रॉयस कह के पोक कर दिया। रोल्स रॉयस चलाई आपने कभी? बहुत फर्क होता है। एंड इसके बाद बादशाह ने भी रिप्लाई दिया, एक दिन बस ऐसे ही जाके रोल्स रॉयस ले ली मैंने, लौंडे लेते रह गए फील है। इवन बादशाह ने फिर से अपने सॉन्ग गॉन गर्ल में हनी सिंह के कमबैक को लेकर ट्रोल किया। गेम क्रैक की नहीं हो रहा ना, हिट कोई ट्रैक की नहीं हो रहा ना, यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक की नहीं हो रहा। एंड इसके बाद हनी सिंह ने कमबैक भी किया एंड अपने काम से बादशाह को जवाब भी दिया। इवन काफी बार में बादशाह के लाइव शो में ऑडियंस हनी सिंह के नारे लगाते हुए भी नजर आई है और हनी सिंह बादशाह को काफी समय से इग्नोर भी करते आ रहे हैं। लेकिन रिसेंटली बादशाह का जयपुर में एक लाइव कॉन्सर्ट था एंड वहां पर भी हनी सिंह की ऑडियंस ने हनी सिंह के नारे लगाने शुरू कर दिए एंड देन बादशाह ने हनी सिंह की ऑडियंस को पोक कर दिया। कुछ लिरिक्स लिख के दे देता हूँ, पापा का कमबैक हो जाएगा तुम्हारे का। एंड देन हनी सिंह ने होली वाले इवेंट पर बादशाह को रिप्लाई दे दिया, टाइम आपके किसी का कद नहीं देखा जाता, जिंदगी की धूप रोज बदलती है, आज तेरी धूप तो कल मेरी धूप, और मेरे को सब बोलते हैं जवाब दो रिप्लाई करो, मैं क्यों रिप्लाई करूँ, तुम लोग ऑलरेडी उसकी गांड में बाजू दे रहे हो। बाकी हनी सिंह और बादशाह की कंट्रोवर्सी के ऊपर आपके क्या थॉट है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना एंड जा कहां पर हो सब्सक्राइब भी कर दो।